दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हरवीर सिंह कालका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दसिया कि मेरे खिलाफ 28 तरीक न या शायद 27 तरीक न एक FIR हुई है POW के बच्चे और यह मसला 10 लाख का है। जे पंथ की आवाज़ चुकन वास्ते, जे बंदी सिंघा की आवाज़ चुकन वास्ते, जे सिद्धांतक जेडे सिखा के असूल ने उन्होंने पहरा देने वास्ते मेरे ते प्रेशराइज करन दी कोशिश की जा रही है और FIR कराई जा रही ने। मैं कहूँगा यहोजी 10 FIR होर करा। लेकिन एक गल नोट कर लेना कि जो तुम कर रहे हो ये संगत देख रही है और संगत के विच तुहाडियां गलतियां नू, तुहाडियां चोरियां चकारियां नू, तुहाडे ते कितनियां FIR हुई वह दसो। जिहदे कोलों कंप्लेंट कराते हो उसनू तुसी सस्पेंड करते हो और सस्पेंड करन तो बाद उसनू आखदे हो कि मनजीत दे उत्ते इल्जाम लगा दे कि 10 लाख रुपया तू नहीं लैके गया सी, GTVIT नहीं गया सीगा, ये 10 लाख रुपया मनजीत सिंह खा गया। वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट दिंदा छुट्टी वाले दिन, ऐतवार वाले दिन तुसी उसनू बहाल कर देंदे हो क्योंकि उसने तुहाडा मंतव पूरा करता सरसा जी कालका जी। इस दे उत्ते हित साहब जिहड़े उदों चेयरमैन से GTVIT दे झूठिया गल्लां करके झूठे इल्जाम ला के पता कि माड़ा काम किया ने। इन्हें एक ऐसा माड़ा काम किया, एक 10 लाख रुपया जो कमेटी ने दिता सी वो लगा सी कालेज के उत्ते और इन्हें वो खिलाफ केस पाता झूठा केस, उन्हें नहीं था पैसे मेहरबानी करके मैं चाहांगा संगत वह भी जरूर सुन ले। अज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हरवीर सिंह कालका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दसिया कि मेरे खिलाफ 28 तरीक न या शायद 27 तरीक न एक FIR हुई है POW दे विच और ये मसला 10 लाख का है। मैं समझदा वा कि जे पंथ की आवाज़ चुकन वास्ते, जे बंदी सिंघा की आवाज़ चुकन वास्ते, जे सिद्धांतक जेडे सिखा दे असूल ने उन्होंने पहरा देने वास्ते मेरे ते प्रेशराइज करन दी कोशिश की जा रही है और FIR कराई जा रही ने। मैं कहूँगा यहोजी 10 FIR होर करा लो, मनू जदों मर्जी तुसी अंदर करा लो। लेकिन एक गल नोट कर लेना कि जो तुसी कर रहे हो ये संगत देख रही है और संगत दे विच तुहाडियां गलतियां नू, तुहाडियां चोरियां चकारियां नू, तुहाडे ते कितनियां FIR हुई वह दसो, तुहाडे ते होर कितनियां होण वालियां ने क्योंकि वो पुलिस तो करेगी नहीं, कोर्ट के थ्रू होण वालियां ने वह भी तुहाडे सामने आएगी। जे मैं इस दी गल करां जिहड़ी FIR हुण दर्ज कराई है जिहदे कोलों तुसीं FIR मेरे खिलाफ कंप्लेंट कराते हो 2019 च और 2019 दे विच मैं भी तुहाडे खिलाफ कंप्लेंट दिंदा वां, अज तक मेरी कंप्लेंट ते कुछ नहीं होया। लेकिन तुहाडी कंप्लेंट दे उत्ते FIR दर्ज हो रही है अज मेरा ख्याल 3 साल बाद या 3.25 साल बाद और जिहदे कोलों कंप्लेंट कराते हो उसनू तुसीं सस्पेंड करते हो और सस्पेंड करन तो बाद उसनू आखदे हो कि मनजीत दे उत्ते इल्जाम लगा दे कि 10 लाख रुपया तू नहीं लैके गया सी, GTVIT नहीं गया सीगा, ये 10 लाख रुपया मनजीत सिंह खा गया और जदों वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट दिंदा छुट्टी वाले दिन ऐतवार वाले दिन तुसी उसनू बहाल कर देंदे हो क्योंकि उसने तुहाडा मंतव पूरा करता सरसा जी कालका जी। कालो जी मैं तुहानू ये दसना चाहना वा, मैं समझदा वा इस दे उत्ते हित साहब जिहड़े उदो चेयरमैन से GTVIT दे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੀ ਨੇ ਲਾਏ ਝੂਠੇ ਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਔਰ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਉਹ जिहड़ी मैं अपनी फेसबुक ते पा दियांगा इस इशू दे उत्ते।
मेहरबानी करके मैं चाहवांगा संगत वह भी जरूर सुन लै। मैं एक बार फिर बड़िया टैक्निकल गल्लां ने, मैं हले उन्हां डिटेलां च नहीं जावांगा, ये सारिया डिटेलां वक्त आण ते सारिया के सामने आणगियां। मैं फिर कहना वा मेहरबानी करके 2-4-5 FIR होर कराओ मेरे ते, कालका जी सरसा जी, क्योंकि तुसी एक आवाज़ नूं बंद करना चाहते हो। ये आवाज़ कदी बंद नहीं हुई और कदी बंद नहीं होएगी, कौम वास्ते खलोवांगा।